की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सम्मानित मंच और आने वाले जो मेहमान हैं, दोस्तों, साथियों और बहनों, सभी का आदाब। जो कौम अपने इतिहास जानती है वही कौम संघर्ष करती है, और जो कौम संघर्ष करती है वही कौम शासक होती है। मेरे साथियों, मैं सम्मानित मंच से एक इजाजत लेना चाहता हूं। आपने मुद्दों पे तो बहुत बोला, हम लोगों ने सुना। मेरे दिल की आवाज है कि मैं भी कुछ प्रिपरेशन करके आया हूं, कुछ अलग और इसी जमात के लिए है, तो कुछ हमें वक्त देंगे और मैं अपनी बातों को कुछ रख पाऊं। बहुत कम समय में मुद्दों पे मैं रहूंगा। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, पल भी शकुन मिला ला मकान में, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए दो गज जमीन मिली हुआ। ये इतिहास का वो पन्ना है जो 1857 से स्टार्ट होता है, जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज फिरंगी ने कहा कि दमदमे में दम नहीं खैर मांदोजान की, ए जफर अब तंग हो चुकी देख हिंदुस्तान की। तो जफर ने कहा, फिरंगी सोन, जब तलक दूर रहेगी गाजियों में ईमान की, तब तलंदक तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। आप उस नस्ल के हैं, हमने छुपना नहीं सीखा, टूट के बिखर जाना सीखा है। उस कौम के नंबरदार सिपाही और नौजवान है। ये कमियां कहां आती हैं? वो ये है, इकरा बिस्मिल रब्बिकल। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहा हूं। मेरे भी वालिद का शौक था कि मेरा बेटा आईएएस हो, लेकिन जब हिंदी हिंदी हिंदुस्तान ये शब्द आया, जब भारत के तीन लोगों ने गाया, तो मैंने कहा कि नहीं, माइनॉरिटी जमात में खासतौर से मुस्लिम अक्षरियत में राजनीति की बंजर जमीन है, ए नसीर चलो उसी को हरा भरा रखो। लेकिन 2012 बैच में भारत की सेकंड मुस्लिम आईपीएस अंजुम आरा आपके कुंते कबीले से बेटी आई। आखिर ऐसी बेटियों, मैं कहना चाहता हूं ये मेरी 50% की जमात है, हम इसे कब पढ़ाएंगे? आइए हम मुद्दों पे चलते हैं। मैंने जब संविधान पढ़ा, सिविल की तैयारी में मैंने पढ़ा संविधान का जो प्रियम्बुल, उसमें लिखता है क्षमता समानता समानवाद बंधुत्व और समान अवसर। भारत में 503 लोकसभा की सीट है, 22% आरक्षण के हिसाब से 120 सीटों में मुसलमानों को रोका जाता है। ये मुद्दों से शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट 22% के हिसाब से 90 सीटों पर रोका जाता है। पूरे भारत में 28 राज्य 7 केंद्र शासित राज्य मिला के 4089 विधायक होते हैं, लेकिन 22% के हिसाब से 907 पे रोकता है। तो ये मेरा राजनीतिक दिवालियापन, इस पे कब बहस होगी? सत्ता और सरकार से आंख मिला के कब ये मैं प्रश्न पूछूंगा कि संविधान तो समता समानता और समान अवसर की बात करता है, लेकिन हर 5 साल में एक लोकसभा का चुनाव होता है जो 543 पे 120 पे मुझे रोका जाता है। इस पे बहस होगी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। हम मुद्दों पे आएंगे, हम टकराव नहीं चाहते, हम गांधीवादी हैं, खान अब्दुल गफ्फार के विचारधारा को मानने वाले हैं। जिस समय कराची में जन आंदोलन हो रहा था आजादी में, तो खान अब्दुल गफ्फार साहब अपने बच्चे को लेकर जब सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो अंग्रेज फिरंगी ने पूछा कि क्यों खान, हमसे तुम डर गए और बच्चों को तुमने आगे ला दिया? तो खान अब्दुल गफ्फार साहब, श्रीमान गांधी भारत रत्न के मुंह को दिया गया, उन्होंने कहा, एक रंगे सोन, हमने असल है तो मेरे जोहर हुआ करते हैं, लेकिन गांधी के संपर्क में आके हमने उसे खोटी पे टांग दिया है। हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते रहे। ये मेरा नेशनल मुद्दा है। मेरे साथियों, मेरी आधी जमात की बहनें बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब टीपू सुल्तान भारत के पहले फ्रीडम फाइटर होते हैं भारत के, तो उनकी माँ से उनके साथियों ने पूछा कि कैसी परवरिश आप इतने मजबूत बच्चे को की है? तो टीपू सुल्तान की माँ ने कहा कि जब टीपू सुल्तान मेरे पेट में थे,
तभी हम अच्छी किताबें पढ़ती थी, मैथमेटिक्स लगाती थी, विचारधाराओं पढ़ती थी। उसके बाद जब टीपू सुल्तान दुनिया में आए, हम वजू करके उन्हें अस्थल का दूध पिलाती थी, तब जाके टीपू सुल्तान इतना महान आए। क्या हम ये सोचते हैं जमात के लोग? हम कहते हैं राजनीति बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जमात के जिम्मेदार लोग हैं, इस जमात को इस जगह से समाज के जब तक निचले पैदान पे नहीं जाएंगे तब तक हमारी विकास असंभव है। राजनीतिक हम इसे सोचते हैं कि हम चले अपने लोगों को अपनी आने वाली सेकेंड जो सेकेंडरी पॉपुलेशन है हम उसको अवेयरनेस लाए, उन बेटी को लाए। मेरा एक कोटेशन आपके सामने है कि जिसको की मां मजबूत होती है वो मजबूत बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चा मजबूत राष्ट्र को पैदा करता है। जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार थी तो 17 पिछड़ी जातियों को उन्होंने अनुसूचित जनजाति में डाल दिया था। मैंने लेटर लिखा मुलायम सिंह जी को कि माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के मुखिया, जब आप 17 पिछड़ी हिंदू जातियों को डाल सकते हैं तो 7 मेरे भी जमात के लोगों को डाल दे। संविधान कहता है काम वही दाम वही, तो अधिकार का अंतर क्यों? राजनीति मुद्दों से होती है, विचारों से होती है, भावनाओं से होती है। मेरे दोस्त आप ये पैदा करें। मैंने कहा उनसे, विवरण दिया उनसे कि अगर कुरैशी भाई मेरा खसी बकरी और मुर्गा काटता है तो मेरा पासी भाई सूर काटता है, लेकिन उसे बराबर का अधिकार न देके उसे लोकसभा का टिकट दिया जाता और मुझे दे दिया जाता। जो हिंदू धोबी काम करता है वही मुसलमान का साफ काम करता है, जो हिंदू नट करता है वो मुस्लिम नट करता है, जो हमारा एक समाज है अलवी जो समाज की खिदमत करता है वो भी श्रेणी में आता है। तो मेरे साथियों, मैं कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया, मैं वादा करता हूं कि आपके मिशन में मैं टोटली अपने जिंदगी को इसी में डाल दिया हूं, और मैंने भी जिद किया हूं कि जब तक धारा 370 हट सकती है तो धारा 341 के लिए संघर्ष करता हूं। संविधान की आर्टिकल क्या होती है? जब तक आप पढ़ते नहीं, कमजोर कौन होता है? जो नहीं पढ़ता, आप कभी घबराइए मत। अरे मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन उसके पहले हमें जीना सीखना होगा। मैंने लिखा लाल किले पे कि ये लाल किला सिर्फ पत्थर ही नहीं, उन शहीदों के खून के छींटों से लाल है जिन्होंने 1857 की देश की आजादी के लिए अपने जानें कुर्बान की। हम उन्हें श्रद्धांजलि और दुआएं मत्थे पेश करते हैं। इसी के साथ बहुत जल्दी बहादुर शाह जफर के संबंध में मेरा एक नेशनल आंदोलन होगा कि अगर 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, तो हमारे देश के क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे के प्रयास से 10 मई 1857 न होता तो 26 जनवरी और 15 अगस्त न होता। हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे। ठीक है, शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे। आपसे वादा है कि आप जब भी बुलाएंगे हम आपके बीच मिलेंगे, और हम कहेंगे बहादुर जिंदाबाद तो आप कहिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब है मेरे साथियों, 1857 से 1965 और 1965 से 2024 जिसने भी देश के लिए शहीद हुआ है वो मेरे आदर्श हैं, चाहे वो जिस रूप में उनकी शहादत रही है। हो सकता है कि आपकी इसी आवाज से हमारी आने वाली नौजवान कोई रजिया सुल्तान बन सकती है, कोई गाजी बन के देश को फिर भी रब्दुल हमीद बन के उस बुलंदी उस ऊंचाई को दे सकता है। लिए शुक्रिया। हम कहेंगे बहादुर जिंदाबाद तो आप कहिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुर जिंदाबाद 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 बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, शुक्रिया, आपने मुझे सुना।